हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज है रवि नारायण व्रत। इसको हम उड़िया में पुष रविवार व्रत भी बोलते हैं। ये एक्चुअली जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष का मास होता है, उसके किसी भी एक संडे को ये वाला पूजा किया जाता है। कई लोग इस संडे को करेंगे और कई लोग अगले संडे को भी करते हैं इस पूजा को। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, रवि नारायण मतलब सूर्य देव की ही पूजा होनी है इसमें। ये जो पूजा है घर के बाहर किया जाता है, लेकिन हमारे घर के साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बहुत धूल मिट्टी उड़ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। पर ज़रूरी नहीं है कि आप तुलसी के पौधे के पास ही इस पूजा को करो। हमारा ये जो तुलसी का पौधा है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के वजह से ही हम इसको अंदर ले आए थे, पर प्रॉपर धूप न लगने के वजह से वो पौधा ख़राब हो गया, इसलिए अभी हमने उसको मटके के ऊपर प्लांट कर रखा है ताकि अगर उसको धूप की ज़रूरत हो तो थोड़ी देर धूप में भी लेके रख सकें। पूजा करने का जो तरीका होता है वो सबका अपना अपना अलग होता है। कई लोग मूर्ति रख के पूजा करते हैं और कई लोग तस्वीर रख के पूजा करते हैं, लेकिन जो हमारे साइड में पूजा करते हैं वो उसमें क्या होता है, जो नदी का रेत होता है वो रेत लेके आते हैं और उस रेत के ऊपर ही जो सरसों का फूल होता है वो फूल रखते हैं और आसपास आप देख सकते हैं तुलसी के जस्ट नीचे रखा हुआ बहुत सारे फूलों से उसको सजा देते हैं और उसी की पूजा होती है। एक्चुअली मैं भी ये पूजा फर्स्ट टाइम ही कर रही थी, तो जैसे जैसे मेरी मम्मी मुझे बता रही थी मैं भी वैसे वैसे ही कर रही थी। और आपने देखा होगा ये सामने मैंने दो दिए जलाए, जिसमें से एक मेरी मम्मी का था और एक मेरा। फिर मैंने दो केले के पत्ते रखे जिसमें से एक मम्मी का और एक मेरा होगा। फिर मम्मी ने कहा कि जो नारियल है उसको स्टैंडिंग पोजीशन पर रखना है, तो मैं मम्मी से वही पूछ रही थी कि इसको कैसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। उसके बाद फिर केला रखा, फिर जो नारियल और केला रखा था उस पर मैंने थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा दिया। और उसके बाद ये जो बैंगन के पत्ते हैं, इस पर बैंगन का ही पत्ता रखा जाता है, तो मैंने 7 बैंगन के पत्ते रख दिए, मतलब 7 मम्मी के लिए और 7 मेरे। इन्हीं बैंगन के पत्तों के ऊपर अब प्रसाद होगा। ये पूजा खुद के लिए भी कर सकते हैं या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कर सकते हैं। और ये जो पूजा होता है मेनली अच्छे हेल्थ के लिए होता है। अब इन बैंगन के पत्तों के ऊपर हम भोग रखेंगे और भोग में मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, जो पोहा होता है सफ़ेद वाला पोहा, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें थोड़ा सा चीनी या फिर गुड़ मिला सकते हैं ताकि थोड़ा मीठा हो जाए। और उसी के मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना के सारे पत्तों के ऊपर रख रही हूँ। और इसके बाद हमें फ्रूट्स रखने हैं। फ्रूट्स में हम कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अंगूर, ऑरेंजेस, एप्पल, अमरूद और बेर रखा था। और फिर फ्रूट्स के बाद यहाँ पे 5 तरह की, कोई भी 5 तरह की मिठाई रख सकते हैं। ये
ये जो थोड़े बड़े साइज के फ्रूट्स हैं जैसे ये ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया और अमरूद, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट करके हर एक पत्ते के ऊपर भी रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छील के उसको पूरा पूरा वैसे ही रख दिया। अभी ये जो मैंने उठाया इसको हम उड़िया में मुआ बोलते हैं, वो जो झाल मुड़ी वाला मुड़ी होता है ना उसका बनता है ये। अभी फ्रेशली धान की कटाई हुई है ना, तो इस टाइम पे ये बहुत मिलता है और इस पूजा में बहुत जरूरी भी है ये। ये सब मैंने भोग में लगाया था। ये सब तो हो गया, लेकिन भोग तो बिना तुलसी के अधूरी होती है ना, इसलिए मैंने सब पे थोड़ा थोड़ा सा तुलसी का पत्ता भी डाल दिया। अभी हम सूर्य नारायण को जल अर्पण करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जो पीतल का बर्तन है उसमें पानी भर लेना है और उस पानी में थोड़ा सा हल्दी डालना है, और हल्दी के बाद ये जो मैंने डाला ये पफ्ड राइस की एक वैरायटी होती है, उसको हम ओडिया में लिया बोलते हैं वो, और थोड़ा सा फूल डाल देना है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर सूर्य नारायण को सबसे पहले थोड़ा सा चावल का अर्क देना है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पंचामृत डाला है मैंने। पंचामृत डालने के बाद अब जल अर्पण करना है। फिर अभी यहाँ पे ये मेरा बदमाश बेटा आ गया, वो एक्चुअली क्या है, जहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ वहाँ पे एक छोटा सा पाइप दिया हुआ है, ताकि यहाँ पर अगर जो भी पानी हो, बारिश वगैरह का पानी हो, तो वो पानी उस पाइप से निकल जाए, तो उसको वहाँ से जब पानी निकलता वो देखने में बहुत मज़ा आता है, तो वो खड़े होकर वो वही देख रहा है कि पानी कैसे निकल रहा है उस पाइप से। अब बारी आई नारियल फोड़ने की, और नारियल फोड़ने से पहले मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि यार ये नारियल एक शॉट में फटेगा या नहीं फटेगा, लेकिन आज लकीली वो एक ही शॉट में फट गया। भोग लग चुका है और पूजा भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आखिर में अभी बस कर्पूर लगा के उसका आरती करना है। वैसे जिनका व्रत है आज पूरा दिन वो लोग कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रसाद में चढ़ाया वो लोग वो चीजें खा सकते हैं या फिर कुछ फ्रूट्स भी खा सकते हैं।
ये मेरा बेटा, इसको आरती लेना भी बहुत पसंद है। जब मैं शाम की पूजा भी करती हूँ ना, संध्या आरती, उस वक्त भी वो आके ऐसे ही खड़ा हो जाता है, आके बोलता है मम्मी मुझे आरती दो। और ये मेरे गांव की कुछ और औरतें हैं जो यही वाला पूजा कर रहे थे। कई लोग अपने घरों के बाहर ही कर लेते हैं और कई लोग ग्रुप्स में मिलके करते हैं, अपने ऊपर है, आप जैसे करना चाहते हैं वो पूजा वैसे कर सकते हैं। वैसे हम जब सिटीज़ में, जब शहरों में रहते हैं तभी लोगों को बुलाते हैं अंकल आंटी, लेकिन गांव में तो सब अपने रिश्तेदार होते हैं, बुआ मामा मामी चाचा चाची। तो जब मैंने इनको बोला कि मुझे व्लॉग शूट करना है, तो वो बुआ मुझे दिखा के वही बोल रही थी, ले तो मेरे केले के छिलके भी शूट कर लें। और उसके बाद फिर इन लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं पूजा करने के बाद। और उसके बाद फिर इन्होंने भी वैसे ही पूजा किया जैसे हमने किया था, जल अर्पण करेंगे अब। जो सिटीज़ की लाइफ होती है वो ऑब्वियसली बहुत अलग होती है। कईयों को तो यही नहीं पता होता कि उनके साइड वाले अपार्टमेंट में रह कौन रहा है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में होता है कि मतलब जो भी करेंगे सब मिलके करेंगे वैसा। बस गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।